आज जरूरत है, जब देश को सत्ता में जो लोग हैं तो देश को तोड़ने पे लगे हुए हैं, सही मायने में अपने अपने नीतियों को अपनाते हुए उसको आगे बढ़ाने पे लगे हुए हैं यार। और उस हालात में ये बहुत बड़ी जरूरत हो जाती है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिन्होंने सचमुच आजादी की लड़ाई लंबी लड़के वो जीती, इतने इतने बड़े उसके लीडर्स हुए, उनकी एक अपनी कल्पना क्या थी हिंदुस्तान के लिए, वो ये थी कि हिंदुस्तान एक मजबूत बने, डाइवर्सिटी जितनी भी है उसके बावजूद हमारे बीच में आपस में एक प्रेम एक यूनिटी रहनी चाहिए। ये वो करना चाहते हैं कि सबको एक ढंग से, सब एक भारत एक नागरिक, एक भारत एक राशन कार्ड। लेकिन कई चीजों के पीछे इनकी मंशाएं क्या हैं, वो देश को मजबूत नहीं बनाती, वो देश को जोड़ती नहीं, वो देश को तोड़ती है। एक लंबा सफर 150 दिन की एक यात्रा 3000 किलोमीटर का पार्टी की ओर सदस्य लगते रहेंगे, आगे आगे अलग अलग जगह से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक वो पहुंचेंगे। इसकी इनिशिएटिव कांग्रेस ने दी है, लेकिन कांग्रेस इसके ऊपर अपना कोई एक कॉपीराइट वो नहीं इस पे बना रही। हम तो बल्कि स्वागत करते हैं, हम तो दूसरों को कहते हैं जो आज महसूस कर रहे हैं वो साइडलाइन हो चुके हैं सोसाइटी में भी। आज क्या हो रहा है, कोई भी कहीं लेख हो, कोई भी कहीं वकील हो, कहीं भी कोई एक्टिविस्ट हो किसी ढंग का, वो अपनी एक बात भी कहना चाहे तो उनको देशद्रोही कह के उनके खिलाफ केस कर दिए जाते हैं। इस कारण उन सभी को आज एक प्लेटफॉर्म कांग्रेस मुहैया करवा रही है कि इसमें लग के सभी को 150 दिन की जरूरत नहीं, कहीं कोई मिल जाए, कहीं कोई एक दिन चले, कोई दो दिन चले, कोई पांच दिन चले, जैसा वो कर सकते हैं वो अपना समर्थन दें और फिर वो जो कहता है कि कारवां बढ़ता ही। भारत जोड़ो यात्रा, मिले कदम जुड़े वतन।